नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते रहते हैं कि तत्काल टिकट और प्रीमियम तत्काल टिकट के बारे में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि तत्काल टिकट क्या होता है और प्रीमियम तत्काल टिकट क्या होता है, और दोस्तों तत्काल टिकट और प्रीमियम तत्काल टिकट में अंतर क्या होता है, या दोस्तों कब बुक होता है, इन दोनों में से कौन सा टिकट बुक करना सबसे अच्छा होता है। इन सारे सवालों का जवाब दोस्तों आज की इस वीडियो में मिलने वाला है। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा समय ना लेते हुए मैं वीडियो को करता हूं शुरू। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं तत्काल टिकट के बारे में। तो दोस्तों तत्काल टिकट के बारे में, जैसा कि आप सबको पता ही होगा कि दोस्तों तत्काल टिकट ट्रेन निकलने के एक दिन पहले बुक होता है, जो कि दोस्तों उसके लिए एक अलग सा बोगी होता है जिसमें दोस्तों तत्काल टिकट की बुकिंग की जाती है। और दोस्तों तत्काल टिकट में कितनी सीटें खाली रहती हैं या कैसे पता चलता है, उसका वीडियो दोस्तों मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दोस्तों दे दिया हूं, जिसमें जाकर के आप यह पता कर सकते हैं कि दोस्तों तत्काल टिकट बुकिंग में कितनी सीटें खाली रहती है। वह दोस्तों इन्फॉर्मेशनल वीडियो छोटा सा है जो कि आपको देखने को मिल जाएगा। अब दोस्तों बढ़ते हैं इस वीडियो में आगे। तो दोस्तों तत्काल टिकट बुकिंग का टाइमिंग जो है दोस्तों 10 बजे जो है एसी का होता है और 11 बजे जो है दोस्तों नॉन एसी का होता है। अब दोस्तों बात करते हैं प्रीमियम तत्काल टिकट की। तो दोस्तों प्रीमियम तत्काल टिकट की बुकिंग भी दोस्तों सेम टू सेम वैसे ही होती है जैसे कि तत्काल टिकट की बुकिंग होती है। 11 बजे दोस्तों नॉन एसी की होती है और दोस्तों 10 बजे एसी की होती है। प्रीमियम तत्काल टिकट के लिए भी दोस्तों एक अलग से बोगी होती है जिसमें दोस्तों प्रीमियम तत्काल टिकट की बुकिंग की जाती है। अब दोस्तों आते हैं मेन मुद्दे पे और बात करते हैं इन दोनों में अंतर क्या होता है। तो दोस्तों इन दोनों में अंतर बस इतना ही है कि जैसे दोस्तों आप जब भी तत्काल टिकट बुक करने जाएंगे तो वहां पे आपको जितनी सीट शो करेगा उतना सीट दोस्तों आपको यहाँ पे प्रीमियम तत्काल टिकट में भी शो करता है, या थोड़ा कम ज्यादा भी हो सकता है। यह डिपेंड करता है कौन सी ट्रेन है, कितनी लंबी दूरी के लिए जा रही है, या उसके हिसाब से सीटें यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। मान लीजिए दोस्तों जैसे तत्काल टिकट की बुकिंग स्टार्ट हुई 11 बजे, तो दोस्तों प्रीमियम तत्काल की भी बुकिंग 11 बजे होती है। इसमें दोस्तों अंतर यह होता है, जैसे मान लीजिए दोस्तों तत्काल टिकट का फेयर 500 रुपया है, तो दोस्तों प्रीमियम तत्काल का भी 500 ही होगा, लेकिन दोस्तों उसमें एक कंडीशन रहती है। कंडीशन यह रहती है कि जैसे ही दोस्तों प्रीमियम तत्काल की सीटें फिल होती जाती हैं, वैसे वैसे उसका किराया और बढ़ता जाता है, जबकि दोस्तों यह तत्काल में नहीं होता। तत्काल में जितनी सीटें आपको शो करता है उतनी सीट पे आपको जितना 500 रुपए का अगर आपका टिकट है तो आपको 500 ही पे करना होगा। प्रीमियम तत्काल टिकट में ऐसा नहीं होता है, सीटें की अवेलेबिलिटी के हिसाब से आपका किराया भी बढ़ता रहता है। जैसे दोस्तों मैं एक एग्जांपल के रूप में आपको बताना चाहूंगा, जैसे मान लीजिए 144 सीट प्रीमियम तत्काल टिकट में शो कर रही है और उसका किराया दोस्तों 500 रुपए, तो दोस्तों अगर आपकी सीट वहां पे बुक करते करते 10 सीट आ गया और 10 सीट पे अगर आपने बुकिंग किया तो दोस्तों वह टिकट आपका 500 के बजाय 800-900 भी हो सकता है। यही दोस्तों मेन अंतर होता है प्रीमियम तत्काल और तत्काल टिकट के बीच में। अब दोस्तों बात कर लेते हैं दोनों में सबसे अच्छा कौन सा होता है। तो दोस्तों अगर आप पैसों के लिहाज से देखें तो तत्काल टिकट बेस्ट है, क्योंकि दोस्तों उसमें सेम पैसा लगेगा। जब भी आप तत्काल टिकट की बुकिंग करेंगे तो आपको अगर 500 रुपए शो कर रहा तो आपका 500 रुपए से 1 रुपया ज्यादा नहीं लगेगा, और वहां पे दोस्तों आपको कंफर्म सीट मिलना होगा तो मिल जाएगा। और दोस्तों जो प्रीमियम तत्काल टिकट होता है इसमें दोस्तों किराया बढ़ता रहता है, तो कहीं आपका 1000 रुपए ना लग जाए या 1200 रुपए ना लग जाए। इस हिसाब से देखा जाए तो दोस्तों तत्काल टिकट अच्छा है और प्रीमियम तत्काल टिकट उतना अच्छा नहीं है, पैसों के हिसाब से, कॉस्ट के हिसाब से अगर बात करें तो। और अगर दोस्तों सीट अवेलेबिलिटी के हिसाब से बात करें तो दोस्तों प्रीमियम तत्काल टिकट सबसे बेस्ट है तत्काल के मुकाबले, क्योंकि दोस्तों प्रीमियम तत्काल टिकट बहुत कम लोग बुक करते हैं, बहुत कम लोग जानते भी हैं कि प्रीमियम तत्काल टिकट भी होता है। इसलिए दोस्तों प्रीमियम तत्काल टिकट में आपको सीट मिलने के चांस बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि दोस्तों बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो नहीं चाहते कि उनका एक्स्ट्रा पैसा लगे, तो वह दोस्तों प्रीमियम तत्काल टिकट नहीं बुक करते हैं। जबकि दोस्तों प्रीमियम तत्काल टिकट में आपको सीट मिलने के चांस रहते हैं कि आपको प्रीमियम तत्काल टिकट में आपको कंफर्म सीट मिल जाती है। और दोस्तों एक एडवाइस मेरी तरफ से आपके लिए यह रहेगी कि जब भी दोस्तों आप IRCTC से प्रीमियम तत्काल टिकट बुक करने जा रहे हैं तो दोस्तों आप अपने तत्काल टिकट को ना बुक करें, क्योंकि दोस्तों अगर आप तत्काल टिकट बुक करेंगे तो उसमें आपका 2 से ज्यादा मिनट का समय लग जाएगा, तो इसमें क्या होगा कि आपका प्रीमियम तत्काल भी नहीं मिल पाएगा। इसलिए दोस्तों आपको अगर प्रीमियम तत्काल टिकट बुक करना है तो सबसे पहले आप प्रीमियम तत्काल टिकट ही ट्राई करें। दोस्तों होता क्या है कि तत्काल टिकट बुकिंग और प्रीमियम तत्काल टिकट बुकिंग में जो दोस्तों बिजी रूट की ट्रेनें होती हैं उसमें नॉर्मली दोस्तों 2
2 मिनट तक सीटें खाली रहती हैं तत्काल टिकट या प्रीमियम तत्काल टिकट में। और दोस्तों बिजी रूट की ट्रेनें नहीं होती हैं तो उसमें 10 मिनट तक का टाइमिंग रहता है कि आपको बुक करने का टाइम मिल जाता है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों तत्काल टिकट और प्रीमियम तत्काल टिकट के बीच में अंतर क्या होता है ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल गई होगी। और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, और दोस्तों वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही दोस्तों बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए जिससे मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में किसी शानदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।